हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आज बात कर रहे हैं ग्रुप डी के बारे में। आज जाइए, हाँ फ्रेंड, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ग्रुप डी का जो अपडेट आया है वो 2019 परीक्षा को लेकर के आया है। तो ग्रुप डी परीक्षा जो वो इस महीने से शुरू हो रहा है। तो किस महीने से शुरू हो रहा है आगे इस वीडियो में जान लेंगे फ्रेंड। तो RRC की तरफ से ये बताया गया कि एग्ज़ाम जो वो इस महीने से शुरू हो जाएगा। तो 01/2019 के तरफ से ये RRC की तरफ से आपको ईमेल और SMS द्वारा भी बता दिया जाएगा। तो ग्रुप डी एडमिट कार्ड जल्द ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक किया जा रहा है। तो आप भी अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो ग्रुप डी फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं न्यूज में किस महीने से आपका जो एग्जाम है ग्रुप डी का वो स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं पल पल के ग्रुप डी की अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं किस महीने स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये न्यूज़ जो वो दी इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से दिया गया है। ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जो कि सही खबर देता है। तो RRC रेलवे ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2019 चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप इस जाकर के अभी देख सकते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट ने देख लिया, और अगर बहुत से कैंडिडेट को अभी तक पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन स्टेटस जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, और ये 31 जुलाई तक 11:50 तक ही ये अवेलेबल रहेगा लिंक। तो जल्द से जल्द अपना जा करके वो एप्लीकेशन स्टेटस देख ले, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस लिंक का, तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये लिंक के बारे में बताया गया है। द लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम नून टूडे एंड विल बी रिमेन एक्टिव टिल 11:50 AM ऑफ जुलाई 31, यानी कि 31 जुलाई के सुबह 11:30 बजे तक ही, 11:50 बजे तक ही आपका ये लिंक जो वो एक्टिवेट रहेगा। तो जल्द से जल्द लिंक जो आप जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अपना चेक कर लीजिए। तो ये 16 जोन के लिए सभी के लिए यहाँ पे निकाल दिया गया है। बिलासपुर, भोपाल, मुंबई, गुवाहाटी, अजमेर, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, सिकंदराबाद। तो की तरफ से ये भी बताया गया कि RRC विल सेंड SMS और ईमेल टू द कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर और ईमेल ID प्रोवाइडेड इन हिज हर एप्लीकेशन हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। यानी कि यहाँ पे आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, आपको जो ईमेल करके बता दिया जाएगा, जो आपने ईमेल ID दिया था फॉर्म भरते वक्त और आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको बता दिया जाएगा। जिस कैंडिडेट का फॉर्म जब वो रिजेक्ट हो गया होगा उसको ईमेल करके RRC के द्वारा यहाँ पे बता दिया जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो ए टोटल ऑफ 1,03,769 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी। तो इन्हीं पद के लिए यहाँ पे एग्जाम जो वो होना है डिफरेंट पोस्ट के लिए RRC के द्वारा। तो फर्स्ट एग्जाम जो वो होगा गोइंग टू बी कंडक्टेड इन September-October 2019। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे क्लियर तौर पे लिख दिया गया है कि एग्जाम जो होगा आपका ग्रुप डी का वो सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में ले लिया जाएगा, और इसके लिए एडमिट कार्ड जो होगा वो 10 दिन पहले आपके लिए जारी कर दिया जाएगा, ताकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो CVT 1 एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका CVT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट जो वो यहाँ पे RRC के द्वारा लिया जाएगा, जो कि आपके CVT 1 एग्जाम पास होने के बाद ही लिया जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से पैटर्न के बारे में बता दूँ। तो बहुत से लोग को पता भी है पैटर्न। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी करीबन 1.5 घंटा का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/3 मार्किंग है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो वो जनरल इंटेलिजेंस से होंगे, 25 क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर्स से, और 20 क्वेश्चन जो होंगे आपको पूछे जाएंगे मैथ से। तो ये सिलेबस है ग्रुप डी के लिए। तो आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, कि मैं इसी तरह का अपडेट जो है ग्रुप डी के बारे में पल पल की आपको देता रहता हूँ। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पल पल की ग्रुप डी की लेटेस्ट खबर आपको पहुँचाता रहूँगा सबसे पहले। तो चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।